फोर्सेस अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रशिया को. रशिया के ट्रेडिशनल हिस्टोरिक अलाइज रहे हैं और किसी भी हालात में प्यूटिन को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी कैलकुलेशंस की होंगी. यूक्रेन का वार यहाँ पे गहरा चुका है. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ की, जो यहाँ पे लाइव लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है. बेलारूस ने भी यहाँ पे रूस का साथ दे दिया है. उसकी वीडियो पे अभी हम चलते हैं. उसके पहले आप यहाँ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, देन अभी हम चलते हैं. फोर्सेस अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रशिया को. रशिया के ट्रेडिशनल हिस्टोरिक अलाइज रहे हैं और किसी आपने यहाँ पे वीडियो में देखा कि बेलारूस यहाँ पे रूस के साथ हो चुका है शामिल. एंड यहाँ पे जो लाइव व्लॉग लाइव लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे उस पर आ जाता हूँ. एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूक्रेन रसिया क्राइसिस लाइव अपडेट. रशियन फोर्स इन्वेडेड यूक्रेन बाई लैंड एयर एंड सी, तीनों के द्वारा यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है. जमीन वायु एंड यहाँ पे जो भी है तीनों सेनाओं के द्वारा यहाँ पे हमला किया गया है. आज के दिन की यहाँ पे डेट निकल के आ रही है, थर्सडे आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं. अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के आ रही है उसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि ये वर्ल्ड वार टू के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे हमला होने वाला है. आप देख पा रहे हैं अटैकिंग बाई वन स्टेट अगेंस्ट अनोदर इन यूरोपियन स्टेट सेकेंड वर्ल्ड वार टू एंड हेयर ऑल्सो यू नो टू गो अबाउट राइट नाउ. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा हमला बताया गया है यूक्रेन के ऊपर एंड पूरे यहाँ पे जो यूरोप कंट्रीज है उनके ऊपर सबसे बड़ा हमला यहाँ पे रूस के द्वारा बताया गया है. एंड नीचे यदि हम यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज देखें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे बोला है कि वो यहाँ पे अस्वीकार युद्ध को अस्वीकार करने की घोषणा कर रहे हैं. उनसे बोल रहे हैं कि यूक्रेन यहाँ पे बोल दे कि उसने हार यहाँ पे मान ली है. उन्होंने ऐसा बोला और उनकी यही केवल सामने यूक्रेन को चेतावनी है. एंड यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे आगे भी कि इनने यहाँ पे हमला किया है यूक्रेन के ऊपर. एंड यहाँ पे बताया गया है कि जो कीवी राजधानी जो कीवी इनकी कैपिटल है उसके आसपास यहाँ पे सुनाई दिए हमले एक्सपोजन जो भी यहाँ पे हमले सुनाई दिए काफ़ी ज़्यादा हमले हुए. एंड जो यहाँ पे रूस ने अपने हमले किए हैं आप देख पा रहे होंगे ये पूरा यहाँ पे रूस का क्षेत्र निकल के आता है. एंड ये कजाकिस्तान है, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे. रूस ने यहाँ से एंटर किया है क्रीमिया की तरफ से, क्रीमिया में एंटर कर दी है अपनी फोर्स. एंड इनने अपने जो भी यहाँ पे विस्फोट किए हैं रूस ने अपनी जो भी मिसाइलें अपनी यूज़ की हैं वो इनके सैन्य हथियार सैन्य जगहों पे किए हैं. यूक्रेन की जितनी भी यहाँ पर सैन्य अड्डे थे उनके ऊपर इनने अटैक किए. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इतनी जगह इनने अपने अटैक किए. यहाँ पे ये आपको सामने समझ में आ रहे होंगे ये कितनी जगह ये है, ये इतनी जगह इनने यहाँ पे इनके जो सैन्य ठिकाने थे यहाँ पे हमले किए. एंड यहाँ पे जो न्यूज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है इन सभी हमलों की यहाँ तक आवाज़ आई है, कीवी जो राजधानी यहाँ तक इन हमलों की चेतावनी नजर आई. यदि बात करें मार्केट्स की तो मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट है. इंडियन मार्केट्स में ही यदि आप देखें तो सारे इंडिकेटर यहाँ पे 4-5% से ऊपर गिरे हुए थे. सेंसेक्स की बात करें तो 54,229 पे यहाँ पे पहुंच चुका है. यदि बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 भी यहाँ पे आपको 16,247 के लेवल पे 815 पॉइंट गिर के आज बंद हुआ है. यदि अभी हम बात कर लेते हैं विदेशी मार्केट की तो यहाँ पे डेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे 5% से ऊपर लाइव अभी जो टाइमिंग चल रही है गिरा हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% से ज्यादा गिर चुका है. एंड सीएसई एंड ये सभी विदेशी मार्केट यूरोपियन मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरे. एंड अपने मार्केट में जो सबसे ज्यादा आज का टॉप लूजर रहा है वो यहाँ पे टाटा मोटर रहा है. एंड यूपीएल इंडसइंड बैंक एंड ग्रासिम ये सारे आज के दिन के टॉप लूजर रहे हैं. 10% से ऊपर टाटा मोटर में गिरावट एक बहुत बड़ा भारी यहाँ पर संकेत जरूर नजर आता है इंडियन मार्केट में भी. एंड यदि बात करें तो आज के दिन यहाँ पर तेल के रेट यहाँ पर जरूर बढ़े हैं, सोने के रेट बढ़े हैं एंड यहाँ पर क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं. तो ये तीन चीज़ें और काफ़ी सारी कमोडिटियों के रेट बढ़े हैं. एंड आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए. ये हमें मालूम है कि यूक्रेन अकेले रशिया से नहीं लड़ सकता है. नेटो ट्रूप्स की औकात ही नहीं, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजे. अमेरिका फिर से वो गलती नहीं करेगा जो उन्होंने अफगानिस्तान में की 20 साल के बाद वो हार के निकले हैं. ओवरऑल अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है जिस भी कंट्री में वो वॉर उन्होंने शुरू की वहाँ वो वॉर हारे हैं. तो वो रशिया के खिलाफ ओपनली मुझे नहीं लगता है कि नेटो ट्रूप्स रशिया को अटैक करेंगे, पर ये ज़रूर है कि सैंक्शंस से वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रशिया का ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि रूबल में गिरावट आई है. हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल जो नॉर्ड स्ट्रॉम का जो गैस पाइपलाइन था रशिया और जर्मनी के बीच में वो सस्पेंड हुआ है. कई सारे और इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से रशिया को इकोनॉमिकली कमज़ोर करने
पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यूक्रेन का है। यूक्रेन मॉनिटरली, मिलिटरली और सिविलियंस जो है, आप देख रहे हैं इंडियंस कितने बाहर निकल के आए हैं, यूक्रेन की इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर होगा आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और इन अ वे जो एक छोटी सी कंट्री है वो